कांग्रेस शासित राज्य कह रहे हैं कि उनके राज्य में ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि कमी ऑक्सीजन के साथ साथ संवेदनहीनता और सत्य की भी है। तो कंफ्यूजन फैलाने का दौर अभी भी चल रहा है। देखिए, पिछले 24 घंटे से पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर शोर मचा है। क्या देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई? इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, झूठ बोलने का आरोप लगाया जा रहा है, सरकार संवेदनहीन कहा जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि केंद्र सरकार ने, समझिएगा इसको, राज्यसभा में जवाब दिया कि देश में ऑक्सीजन की कमी से मौत की कोई सूचना राज्यों ने नहीं दी है। अब आप भी सोचेंगे कि केंद्र सरकार ने फिर ऐसा क्यों कहा, जबकि पूरे देश ने, हमने देखा है कि राज्यों ने ऐसा क्यों कहा कि भाई हमने देखा है देश के तमाम राज्यों में अप्रैल मई में देश में ऑक्सीजन में को लेकर महामारी के दौरान कितनी मारामारी थी, बुरा हाल था। तो आप इस खबर का पूरा विश्लेषण गौर से समझिए। सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि कांग्रेस ने देश को कंफ्यूजन के जाल में कैसे उलझाने की कोशिश की। देखिए, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के वेणुगोपाल को कंफ्यूजन थी कि दूसरी लहर में जो मौतें हुई क्या वो ऑक्सीजन की कमी से हुई, कुछ सवाल जानना चाह रहे थे। उन्होंने सवाल पूछा, वेणुगोपाल ने सरकार से सवाल पूछा, कांग्रेस के सांसद, क्या यह सच है कि कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण सड़कों पर, अस्पतालों में बड़ी तादाद में कोरोना के मरीजों की जान गई? ये सवाल को गौर से देखिए, देशवासियों को कांग्रेस की पूरी थ्योरी प्लानिंग अपने आप में समझ आ जाएगी। कांग्रेस पार्टी को यकीन नहीं था कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, महाराष्ट्र में सरकारी बद इंतजामी से जो जाने गई हैं उसे ऑक्सीजन की कमी से मौत माना जाए या ना माना जाए, इसलिए ऐसा कंफ्यूज सवाल सरकार से पूछा गया। राज्यसभा में ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्य मंत्री भारती पवार ने लिखित जवाब दिया। सरकार ने यह लिखा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री का ये उन्होंने जवाब दिया कि हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, स्वास्थ्य राज्य का विषय है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मौतों की सूचना देने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। उसी के हिसाब से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश रोज मामले और मौत पर रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को देखते हैं। आगे सुनिए, हालांकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत की सूचना नहीं दी गई है, मतलब केंद्र ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी से संबंधित मौत के आंकड़े राज्य सरकारों ने नहीं दिए हैं। भला इस तरह से गया कि केंद्र कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है। अब आप समझिए, कांग्रेस कंफ्यूजन में थी कि क्या मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई थी। यह कंफ्यूजन के वेणुगोपाल के सवाल में साफ दिखती है, जो पूछ रहे हैं कि क्या यह सच है कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई, हर कोई जानता हुई है। अब उसी कंफ्यूज्ड कांग्रेस के सवाल का जवाब केंद्र सरकार अपनी मर्जी से क्या कह दे, सो उसने लिखा कि राज्यों ने बता दिया है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौतें नहीं हुई है। तो अपनी तरफ से केंद्र सरकार क्या बता दे, जो राज्यों ने बताया वो लिख कर जवाब दे दिया। अब सरकार के इस जवाब का कांग्रेस ने कैसे इस्तेमाल किया कि केंद्र सरकार झूठ बोल रही है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई ही नहीं। देश के लोग ये तस्वीरें नहीं भूल सकते। कोरोना की दूसरी लहर में सरकारों की बद इंतजामी और प्रशासन की लापरवाही ने अफरा तफरी का माहौल बना दिया था। सबसे बुरी हालत दिल्ली की थी, जहां सरकार ऑक्सीजन स्टोर करने तक का इंतजाम नहीं कर पाई थी। दूसरे राज्यों के मुकाबले दिल्ली को दोगुनी चौगुनी ऑक्सीजन दी जा रही थी और वो टैंकर वापस हो रहे थे। तब महामारी में मौतों का कहर कैसे टूटा, यह पूरे देश ने देखा, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने भी देखा। सच क्या था, यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी पता है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी पता है। जानबूझकर कांग्रेस ने एक बार फिर भ्रम की सियासत शुरू कर दी। केंद्र सरकार का लिखित जवाब सोशल मीडिया पर तैरने लगा, प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स करने वालों की बांछें खिल गई। इस सरकार की डीएनए में यह है कि कोई भी सच्चाई हो जो आप देख रहे हो वो भी कहेंगे कि वो सच नहीं है। कितना बड़ा झूठ, मध्य प्रदेश में कितनों की मौतें ऑक्सीजन के कारण, और ये
राज्यसभा में बयान दे रहे हैं कि देश में एक मौत नहीं हुई, लाखों लोगों की मौत हुई है, तो वो एक सरकार की लापरवाही के कारण की गई हत्या है, ये आपराधिक लापरवाही है। ये केंद्र सरकार गंभीर नहीं है और राज्यों ने सच्चाई छुपाई है। लेकिन वही सवाल जो कंफ्यूजन फैलाने वाली कांग्रेस ने राज्यसभा में केंद्र सरकार से पूछा था, वही सवाल जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों से पूछा गया तब जरा उनका जवाब सुनिए। शाश्वत सवाल वही था कि क्या उनके राज्य में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। जवाब सुनिए। ऑक्सीजन की किल्लत के वजह से महाराष्ट्र में किसी भी रुग्ण की मृत्यु नहीं हुई है। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, ये सही है कि ऑक्सीजन से रिपोर्टेड कमी के चलते रिपोर्टेड डेथ्स नहीं है, हम सरप्लस स्टेट रहे। ये बिल्कुल असत्य है, गलत बात है। दिल्ली के अंदर भी और देश के अंदर भी बहुत जगह पर ऑक्सीजन की कमी से कई डेथ हुई। ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई। सेकेंड वेव आने के पहले बिहार में प्रतिदिन जो मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी वह अप्रैल के प्रथम सप्ताह में लगभग 16 मेट्रिक टन था, और ये सब कुछ 20-25 दिनों के अंदर ये आंकड़ा बढ़ा था। और 14 गुना डिमांड किसी भी चीज का बढ़ता है तो निश्चित रूप से सिस्टम पे दबाव आता है। अल्टीमेटली द डेथ्स ड्यू टू कोविड और कोविड ड्यू टू कोमॉर्बिडिटी। सुना आपने, कोई राज्य मानने को तैयार नहीं है कि उसके राज्य में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। अगर ये कोई मान भी रहा है तो सच ये है कि किसी भी राज्य ने केंद्र सरकार को ऑक्सीजन की कमी से मौत का कोई आंकड़ा ही नहीं भेजा। ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण इनकी मृत्यु नहीं हुई है, ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लिखित में अपनी कमिटी की रिपोर्ट को दिल्ली हाईकोर्ट को सबमिट करती है। आप बताइए, क्या आपकी सरकार ने जो केंद्र को आंकड़े दिए हैं उसमें से एक भी मरीज की मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण हुआ है ऐसा लिख के दिया है क्या? टीवी में कुछ और टीवी के बाहर कुछ, ये राजनीति रुकनी चाहिए। उधर केंद्र सरकार का कहना है कि सभी राज्यों को मौत का ब्यौरा देने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की दलील है कि आंकड़े जमा करने ही नहीं दिए गए। आप राज्य सरकार को आंकड़े जुटाने तो दो। दिल्ली में एक एक वो मौत जो ऑक्सीजन की वजह से हुई लगती है, हर मौत की जांच करवाएगी दिल्ली सरकार, इंडिपेंडेंट जांच करवाएगी दिल्ली सरकार। हमने पहले भी कहा था, फिर कह रहे हैं, इस तरह से नहीं कि आप खड़े होकर कह दीजिए कि नहीं दिल्ली सरकार ने आंकड़े नहीं दिए, राज्य सरकारों ने आंकड़े नहीं दिए, दीदी ने आंकड़े नहीं दिए, महाराष्ट्र ने आंकड़े नहीं दिए। झूठ मत बोलिए, आप आंकड़े इकट्ठा नहीं करने दे रहे हैं, आप आंकड़े जुटाने नहीं दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि ऑक्सीजन से हुई मौत के आंकड़े लोगों के सामने ना आए। अब देश के बड़े बड़े डॉक्टर और अस्पताल हैरान हैं कि दिल्ली की सरकार ये कैसे तय करेगी कि फला कोरोना मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई, अस्पताल की लापरवाही से हुई, प्रशासन की गलती से हुई या महामारी की गंभीरता से, क्योंकि किसी भी मौत में ऑक्सीजन की कमी को स्थापित करना आसान नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।